हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले इंफोसिस न्यू रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो टोटल 11-24 न्यू वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहूँ, सिंपल दो क्लिक में इसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, कुछ भी नहीं देना पड़ता, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहता है। और जो वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है वो रियल है, एकदम इन्फोसिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। वैकेंसी निकली हुई है, जैसे लगभग यहाँ पे 10,000 प्लस आपको वैकेंसी दिखा रहा है, जिसमें IT डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड सिक्योरिटी में वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 18 से 45 साल आपको दिखा रहा है। सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,04,600 तक आपकी सैलरी दिखा रहा है। इन्फोसिस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनली इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, फ्री फॉर ऑल कैंडिडेट। किसी को कोई भी एप्लीकेशन फीस या किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देने होते। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके इसके लिए अप्लाई करना होता है, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो 22 अप्रैल 2022 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 10 जून 2022 तक भरे जाएंगे इन्फोसिस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे। वो देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें आपसे साइन इन के लिए बोला जा रहा होगा, जिसमें अपनी मेल आईडी एंड पासवर्ड यूज करके आपको साइन इन करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखिए, अगर आपने पहले इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करिए और उसके बाद सिंपल लॉगिन कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर, तो आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं या डायरेक्टली आप गूगल के थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो गूगल के साथ लॉगिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि आपको इसमें फिल करनी होती है, जैसे कि नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करके आप सिंपल यहाँ पे सबमिट करिए। सबमिट करेंगे उसके बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपसे कुछ वेरिफिकेशन कोड वगैरह लिया जाता है जो कि आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाता है, और वेरीफाई करने के बाद आपकी आईडी होती है यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको यूज नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। वैकेंसी आपको दिखाएगा 1,124 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके लिए अलग अलग लोकेशंस में वैकेंसी है, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोटम्बूर, गुड़गांव, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर। स्किल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्किल्स आपके पास हो आप उसे सेलेक्ट करके बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे अपनी जो जॉब है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आपको। तो जैसा कि मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, अभी जो वैकेंसी निकली हुई है आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, ये बिजनेस वाली जो निकली हुई है, तो व्यू एंड अप्लाई का ऑप्शन आता है। व्यू एंड अप्लाई में इसमें जो डिटेल्स हैं वो दिखाता है कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अपनी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को मैच करें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम मैच होता है जॉब से, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का। तो यहाँ पे आप जाइए तो आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने आ जाता है, जहां पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी सिटी जहां पे आपका इंटरव्यू आपको कंडक्ट होना चाहिए वो, और जहां करेंट या प्रीवियस जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल्स यहां पे डालनी है। टोटल एक्सपीरियंस आपको डालना है, जीरो एक्सपीरियंस है तो जीरो डालें, और जो भी आपकी स्किल्स हैं, फाइनेंस, अकाउंट्स, वो अपनी स्किल्स यहां पे डालें। साथ ही में जो अपना मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहां पे डालना है, और साथ ही में अपना जो रिज्यूम रहेगा वो रिज्यूम यहां पे अटैच करना है। तो देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको यकीन हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखिए मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो हो सकता है कि सेलेक्ट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, 1 जनवरी 1994 मैंने कर लिया। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू जयपुर में हो, अब आप चाहें कि आपकी सिटी में हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी में नहीं होगा, क्योंकि जहां पे इसकी ऑफिस होंगी वहीं पे आपका होगा। तो मैं जयपुर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जयपुर हो। उसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयर की जैसे मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे टैफर डाल देता हूँ, जो भी आपका हो तो आप डाल लीजिए, एक्सपीरियंस जितना है उतना डालिए, फाइनेंस डाल देता हूँ, एंड मेरा जो उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अपने जो अपना रिज्यूम जरूर बनवा लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आर यू एन एक्स इन्फोसिस तो है नहीं, हमने इसके लिए कभी इसमें अप्लाई नहीं किया, कभी जॉब नहीं की इसमें, तो हम इसे यस नहीं करेंगे, बस इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कभी पास्ट में इन्फोसिस में जॉब किया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको इसे कुछ नहीं करना। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर होगा वो फिल कर दें। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपल आपको नीचे अप्लाई का जो बटन मिल रहा है, अप्लाई का आपको क्लिक करना है। तो मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे, क्लियर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द बिजनेस
एनालिस्ट रोल। तो यहाँ पे ओके आपको कर देना है। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, इजी इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए अप्लाई नहीं करना, तो विड्रॉ का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से जाके विड्रॉ कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले सकते हैं। यहाँ अप्लाइड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आगे जो भी प्रोसेस होगी वो आगे जैसा भी स्टेटस रहेगा वो आपको स्टेटस यहाँ पे शो करता रहेगा। तो लॉग इन करिए और अपना स्टेटस वगैरह सारी चीजें जाके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, और पूरा जो प्रोसेस होता है वो आप सभी को दिखाता है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और बहुत ही तक मैंने जितनी भी जॉब बताई है किसी के लिए भी आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसके लिए कोई फीस वगैरह आपकी जाती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहती है। लगातार इस तरीके से मैं आपको जितने वैकेंसी आती है हर एक वैकेंसी का अपडेट देता हूँ, और हर एक वैकेंसी रियल एंड ऑथेंटिक एंड 100% ऑफिशियल होती है। कोई भी आपको थर्ड पार्टी आती है किसी के जरिए नहीं दिखाई जाती। जो वैकेंसी निकाली जाती है कंपनी के द्वारा वही वैकेंसी मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी आप लोग छोड़ सकते हैं हमारे, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।